कैसा रहा 20 साल पहले लोगों का गदर रिलीज पर सिनेमा का अनुभव? क्या बताया फिल्म के बारे में खुद सनी देओल ने? गदर 2 में क्या गद्दार घोषित कर दिए जाएंगे तारा और सकीना? जानने इन सभी मजेदार सवालों के जवाब तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपकी होस्ट कम दोस्त अनविता पाठक और बॉलीवुड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में करती हूं आपका स्वागत। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। 20 साल पहले ना मल्टी स्क्रीन्स वाले सिनेमा घर होते थे और ना ही इतने शोज कि जितने लोग भी किसी फिल्म को पहले दिन ही देखना चाहें सबको टिकट मिल ही जाए। तो तय हुआ कि गदर एक प्रेम कथा का पहला शो सुबह 6 बजे से शुरू होगा। पूरे देश में उस दिन उत्सव सा माहौल था। सनी देओल के दीवाने ढोल ताशे लेकर ये फिल्म देखने पहुंचे और साथ में ही लोगों को लगान भी देखनी थी। मेरे बड़े बताते हैं कि उन्होंने ये दोनों फिल्में एक ही दिन नई दिल्ली में देखी थी। पहले शीला थिएटर में लगान देखी और फिर वहां से भागकर पहुंचे कनॉट प्लेस के प्लाजा सिनेमाघर, जहां उनकी सीटें बुक होने के बावजूद सिनेमा हॉल के भीतर घुसने तक की जगह नहीं बची थी। जैसे तैसे धक्का मुक्की करते हॉल के भीतर पहुंचे तो वहां सिर्फ भीड़ दिख रही थी। जितने लोग सीटों पर बैठे थे उतनी ही पब्लिक सिनेमाघर के भीतर खड़े होकर सिनेमा देख रही थी। खड़े होकर फिल्म देखने वाले दर्शकों की गिनती तो नहीं हुई होगी, लेकिन तब भी फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने भारत में सबसे ज्यादा टिकटें बेचने का रिकॉर्ड बना दिया था। आपको बता दें कि 15 जून 2001 को फिल्म गदर एक प्रेम कथा रिलीज होने से पहले ही इतनी चर्चा में आ चुकी थी कि लोग फिल्म का इंतजार महीने भर पहले से कर रहे थे। दिल्ली में गर्मियां 20 साल पहले भी इतनी बेरहम हुआ करती थी, उस चिलचिलाती गर्मी में भी लोग फिल्म देखने आए, ये सबसे बड़ी बात थी। फिल्म की कहानी का भी हल्का सा इशारा सनी ने दिया, लेकिन तब बायोपिक शब्द फैशन में नहीं था, नहीं तो सनी देओल इसका भी जिक्र जरूर करते बातचीत में। जी हाँ, गदर एक बायोपिक ही थी जो बूटा सिंह की जिंदगी पर आधारित थी, जिसकी चर्चा हम अपनी पहले की वीडियो में कर चुके हैं और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जल्दी से उसे भी देख लीजिए ना। आपको बता दें कि गदर में हुकूमत की जबरदस्त कामयाबी ने अनिल शर्मा के सिनेमा का रंग रूप सब बदल दिया। इसके बाद अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र के साथ लगातार ऐलान जंग, फरिश्ते, तहलका और पुलिस वाला गुंडा जैसी फिल्में बनाई, लेकिन फरिश्ते के बाद अनिल शर्मा और धर्मेंद्र की जोड़ी का असर कम होने लगा था। अनिल शर्मा ने जितेंद्र के साथ फिल्म माँ बनाई और गोविंदा के साथ महाराजा। तो इस तरह हमें गदर से मिला भारत का तारा सिंह, जो हर मजहब से प्यार करता था, लेकिन अगर उसके हिंदुस्तान को कोई बुरा कहे या उसके बीवी बच्चे को कोई उससे अलग करना चाहे तो इसका बदला लिए बिना बाज नहीं आता। और इसी देशभक्ति और परिवार के लिए जुनूनी प्यार को लेकर एक बार फिर अनिल गदर का सीक्वल लेकर आ रहे हैं, जिसमें पहली फिल्म की आगे की कहानी को दिखाया जाएगा कि कैसे तारा सिंह और सकीना को अपनी जिंदगी में मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वो मुश्किलें जो उन्हें पाकिस्तान के आने के बाद झेलनी पड़ी। फिल्म में दिखाया जाएगा कि तारा को गद्दार घोषित किया गया क्योंकि वो पाकिस्तानी लड़की के लिए पाकिस्तान तक गया, पाकिस्तानियों की हर बात मानी, और इसी वजह से तारा और सकीना को पंजाब से निकाल दिया जाएगा। इन दोनों को निर्दोष साबित करेगा इनका बेटा जीत। बता दें कि कहानी एक दो सीन के बाद लीप लेगी, जिसमें तारा सकीना का बेटा बड़ा होता हुआ दिखाया जाएगा, जिसकी भूमिका एक बार फिर जीत यानी उत्कर्ष ही निभाएंगे। यही उत्कर्ष अपने रील माँ बाप को कैसे वापस अपने गाँव लाता है, कैसे उन्हें निर्दोष साबित करवाया जाता है और इस बीच वो कैसे मिलता है अपने लव ऑफ लाइफ से, ये सब देखने और जानने के लिए जुड़े रहेंगे हमारे साथ। तो आप लोग कितने उत्साहित हैं एक बार फिर से इस मूवी को देखने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही जाते जाते मेरे दोस्त वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज की स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा जैन ने। दिस इज अनविता साइनिंग ऑफ, सायोनारा।